हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि पोको M4 5G फ़ोन में आप लोग ब्लूटूथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा या बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का। तो इस कनेक्शन एंड शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे एक ऑप्शन होगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। तो यहाँ पर रीसेट जो है, यहाँ पर ब्लूटूथ भी रीसेट होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन होगा। अगर हम रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो ब्लूटूथ सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा, तो इसलिए हम रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, हम ओके पे भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आप लोगों का ब्लूटूथ का सेटिंग होगा या मोबाइल डाटा वाईफाई तीनों एक साथ में यहाँ पर से रीसेट होंगे, तो यहाँ पर ब्लूटूथ का सेटिंग भी साथ में रीसेट हो जाएगा। और ब्लूटूथ का सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को और एक सेटिंग बताता हूँ। सेटिंग्स में आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऐप्स का, देख सकते हैं ये रहा ऐप्स का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैनेज ऐप्स का ऑप्शन होगा, तो मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर जो है आप लोगों को एक ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। आप लोग सर्च करके भी ढूंढ सकते हो अगर नहीं मिल रहा है तो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक क्लियर डाटा का ऑप्शन होगा, तो क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन आएगा, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके ब्लूटूथ का जो भी डाटा होगा, कैची फाइल्स वगैरह होंगे, वो सब डिलीट हो जाएंगे, और आपके फ़ोन में जो ये ब्लूटूथ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने पोको M4 5G फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।